शिक्षार्थियों, मैं डॉक्टर शशिभूषण राम त्रिपाठी, सहायक प्राध्यापक भूगोल, समाज विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज। आज अपनी इस कक्षा में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम स्नातक भूगोल द्वितीय सेमेस्टर कार्टोग्राफी का सेकेंड यूनिट लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इसके पूर्व लेक्चर में हमने इकाई प्रथम में मापने के तहत, मापने किसे कहते हैं, उसके प्रदर्शन की विधियां क्या क्या हैं, आलेखी मापने के प्रकार कैसे हैं, कैसे रचना की जाती है साधारण मापने की, तुलनात्मक मापने की, इसके विषय में हम लोगों ने पढ़ा है। इसी के आगे आज हम लोग पढ़ेंगे कर्णवत मापने के बारे में। अभी तक आप लोगों ने साधारण मापनी और तुलनात्मक मापनी पढ़ा है। इसमें हम लोगों ने देखा है कि इन मापनियों के द्वारा किन्हीं दो इकाइयों में हम लोग दूरी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर हमें तीन इकाइयों में दूरी पढ़नी हो, तीन मानों में दूरी पढ़ना हो, तो हम इन मापनी के सहारे दूरी नहीं पढ़ सकते। उसके लिए हमको आवश्यकता होती है कर्णवत मापनी की। तो आज सभी मेरे साथ कैसे कर्णवत मापनी की रचना होती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप हमारे साथ सीखिए। आप सभी लोग एक ड्राइंग पेपर ले लीजिए, स्केल ले लीजिए और उसकी सहायता से मेरे साथ ही, जैसे जैसे मैं बताता चल रहा हूँ, आप लोग भी बनाना मेरे साथ ही जारी रखें तो आपको आसानी से समझ में आएगा। सरल मापनी में आपने देखा कि दो मात्रकों में दूरियाँ पढ़ी जा रही थी, जबकि विकर्ण मापनी में तीन मात्रकों में दूरियाँ पढ़ी जाती है। जैसे मान लिया आपको पढ़नी है दूरी किलोमीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर। तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर के लिए हम सरल मापनी की रचना करके दूरी पढ़ सकते हैं, लेकिन किलोमीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर या मील, फरलांग और गज, इन तीन इकाइयों में दूरी पढ़ने के लिए हमको कर्णवत मापने की आवश्यकता होती है। तो आइए हम लोग सीखते हैं कैसे कर्णवत मापने की रचना होती है। कर्णवत मापनी की रचना के लिए भी सभी मानदंड वही हैं जो हम लोगों ने सरल मापनी और तुलनात्मक मापनी में पढ़ा था। तो इसमें भी प्रदर्शक भिन्न के ही आधार पर इसकी भी रचना की जाती है। इसके लिए हमने एक प्रश्न लिया है कि प्रदर्शक भिन्न 1:50 पर एक विकर्ण मापनी की रचना कीजिए जिस पर मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर में दूरी पढ़ी जा सके। 1:50 प्रदर्शक भिन्न पर एक विकर्ण मापनी की रचना कीजिए जिस पर मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर में दूरी पढ़ी जा सके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे हम लोगों ने बनाया था सरल मापनी, उसी प्रकार से इसको भी बनाते हैं जिस प्रदर्शक भिन्न दिया हुआ है 1:50, यानी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित कर रहा है धरातल के 50 सेंटीमीटर की दूरी को। तो 12 सेंटीमीटर कितने को प्रदर्शित करता है, यहाँ 12 सेंटीमीटर मान सकते हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार 14 मान सकते हैं, 16 मान सकते हैं। तो 12 सेंटीमीटर कितना प्रदर्शित करेगा, अगर हम 50 में 12 को गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 600 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए यह दूरी हो जाएगी 6 मीटर, यानी 12 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करेगी कितने, 6 मीटर दूरी को। अब इसी के आधार पर हमको क्या करनी है, विकर्ण मापनी की रचना करनी है। आइए हम लोग इसको सीखते हैं, कर्णवत मापनी की रचना करनी है। तो सबसे पहले हम आपको इसी चित्र पे ही बनाते चल रहे हैं, आप भी हमारे साथ बनाते चलें। एक 12 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। ये जो 12 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे, ये पूरी रेखा कितनी दूरी को दिखाएगी, क्योंकि उस सेंटीमीटर को हमें मीटर में बदल दिया है, तो ये पूरी रेखा दिखाएगी हमको 6 मीटर में। इसलिए क्योंकि हमको इस मापक के द्वारा वास्तविक धरातल की दूरी को नापना है, इसलिए हम मान लिखेंगे वास्तविक धरातल की ही दूरी को, ठीक है। तो इसके आधार पर पहले हम क्या करते हैं, सरल मापनी की रचना कर लेते हैं। इसी के बराबर एक और रेखा खींचते हैं और इसको क्या करते हैं,
हम 6 बराबर भागों में अगर हम बांटेंगे तो 2-2 सेंटीमीटर पे एक पार्ट आपका पड़ेगा। तो 6 बराबर भागों में हम इन लोग इसको बांट लेते हैं, ठीक है, 6 बराबर भागों में बांट लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग 0 लिख देते हैं, क्योंकि हमने पहले बताया आपको प्रथम खाने को छोड़कर 0 हमेशा यहाँ पे लिखते हैं। आलेखीय मापनी जिसकी भी रचना की जाती उसमें 0 हम लोग एक खाने को छोड़कर यहाँ से लिखना हम लोग शुरू करते हैं। तो 0 हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। अब ये जो दूरी दिखा रही है मीटर, दूसरी दूरी जो हमको पढ़ना है वो मीटर पढ़नी है, डेसीमीटर पढ़नी जो प्रश्न में दिया हुआ है, और आपको सेंटीमीटर पढ़नी है। इन तीन मानों में आपको दूरी पढ़ना है, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने मापनी की रचना कर दी, ये मापनी में आप मीटर की दूरी पढ़ सकते हैं। अब दूसरा हमको पढ़ना है डेसीमीटर में। तो आप देख लें, एक खाना जो एक प्रथम, इसका जो प्रथम भाग है, एक खाना कितने दूरी को दिखा रहा है, 1 मीटर। आप सभी जानते हैं कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। तो इस द्वितीय भाग को, इस गौड़ भाग को हम क्या करेंगे, इसको अगर हम 10 भागों में बांट देते हैं तो ये दूरी क्या दिखाएगा, डेसीमीटर, ठीक है। तो आइए इसको हम कितने भागों में बांटें, 10 बराबर भागों में बांट दें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो 10 बराबर भागों में बांट दे रहे हैं, तो ये जो दूरी है इसको सबको हम मिला देते हैं, ठीक है। और सब पे मान एक एक कॉलम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। तो ये जो दूरी होगी डेसीमीटर। तो अब हम इसके सहारे क्या पढ़ लेंगे, मीटर और डेसीमीटर, ठीक है। अब हमको जो तीसरी दूरी पढ़नी है सेंटीमीटर, और इसी के कारण हमको कर्णवत मापक की रचना करनी पड़ती है। कर्णवत मापक की जो रचना होगी इसके लिए सबसे पहले, चूंकि एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसके इस भाग पे किसी भी माप की एक सीधी रेखा ले लेते हैं, और इस भाग पे भी किसी भी माप की एक सीधी रेखा ले लेते हैं, ठीक है। अब हम प्रकार में कोई भी समान दूरी, वो दूरी ये भी ले सकते हैं, इसी समान दूरी को हम लोग ले लेते हैं, और उसके आधार पे हम लोग क्या करते हैं, इसको 10 बराबर भागों में बांटते हैं। तो ये 0 हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे ये भी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। अब इन स्केल की सहायता से इसको क्या करेंगे, इसके समानांतर मिला देंगे, इसको मिलाते समय हमको ध्यान रहे कि हमारी पेंसिल का नोक पतला हो, बहुत साफ सफाई से आपको काम करना है, क्योंकि ये एक प्रकार की ड्राइंग है। जैसे आप लोग ड्राइंग बनाते हैं तो बहुत ही साफ सफाई के साथ बनाते हैं, वैसे ही इसको भी आपकी आपको बनाना है, क्योंकि देखने में तभी अच्छा लगेगा जब बहुत सफाई के साथ बनाया जाए और सबकी दूरियाँ एकदम समान हो, एक समान अंतराल पे हो। तो इन सब नियम का जब आप पालन करेंगे तब ये आपका जो मापनी बनेगा ये बहुत ही सुंदर बनेगा, आकर्षक बनेगा, और इससे मापना भी आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे हर जो ऊपरी रेखा है, ये इसके ऊपर जितने भी आप रेखाओं की रचना करें सबके मान निचले वाले रेखा के ही बराबर है। और यहाँ पे हम लोग दूरी लिख देंगे 0, 2, 4, 6, 8 और 10, ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि हमने इसको नीचे बराबर 10 बराबर भागों में विभाजित किया है। तो इसका एक खाना 0 से लेकर, ठीक है,
इसके ऊपर तक सब क्या होगा, सबके मान बराबर होंगे, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो सब के मान, यानी एक खाना यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी दिखा रहा है, 1 डेसीमीटर बराबर रूप से। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 2 डेसीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 डेसीमीटर, यहाँ तक यहाँ। अब इन्हीं के सहारे आपको क्या करना है, कर्णवत मापक की रचना करनी है, इसी कारण से इसका नाम है कर्णवत मापनी। इसकी रचना करने के लिए क्या करना होता है हमको, इसके नीचे जो सरल मापनी का जो ऊपरी सिरा है, यहाँ के नीचे के जीरो को और इसके ऊपर के पहले भाग को क्या करेंगे हम लोग, स्केल रख के इसको तिरछे मिलाएंगे। स्केल के रख के क्या करेंगे हम लोग, इसको तिरछे यानी क्या करेंगे, विकर्ण की रचना करेंगे। उस विकर्ण की रचना क्या होगी, इसका आधार वाला जीरो और ऊपर वाला ये, इसके सहारे हमको इसकी रचना, इसको आप अलग उदाहरण से समझ सकते हैं। इसे मान लिया, इस भाग को हमने यहाँ पे ले लिया, ये जीरो हो गया और ये हो गया आपका 1 डेसीमीटर, ठीक है। तो ठीक है, और ये जीरो हो गया और ये हो गया आपका 1 डेसीमीटर नीचे। अब इसके सहारे हमें क्या करना है, इस नीचे के जीरो को इसके सहारे इस पर क्या करना है हमको, कर्ण की रचना करनी, एक विकर्ण हमको डालना है, इसी कारण से इसका नाम है विकर्ण मापनी या कर्णवत मापनी। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कर रहा है, डेसीमीटर में दिखा रहा है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रत्येक रेखा इसको काट रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ लिख दें, मान लिया जीरो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो ऐसे ही आपको प्रत्येक पे क्या करनी है, विकर्ण की रचना करनी है। अब इसके आधार का 1 ले लेंगे और इसके ऊपर का 2 ले लेंगे और फिर इसके सहारे क्या करेंगे हम लोग, अब इसके आधार का 3रा भाग और इसके ऊपर का 4था ले लेंगे, ठीक है। तो इस आधार पे हम क्या करेंगे, सभी पे विकर्ण की रचना करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में आप देखिए, ये 9वां भाग और इसका ये 10वां भाग, ये ठीक है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस पे हमको विकर्ण मापनी की रचना करनी होती है। तब इसके सहारे हम डेसीमीटर, मीटर और सेंटीमीटर में दूरी पढ़ सकते हैं। अब इसको भी हम सब पे लंब खड़ा कर देंगे, ठीक है, सब पे सबको मिला देंगे, सबको क्या करेंगे हम आपस में मिला देंगे और इन सभी को एक एक छोड़ते हुए, हम जो हमने सबसे नीचे सरल मापनी बनाई है उसको क्या करेंगे हम एक एक छोड़ के कलर कर देंगे, तो ये तो देखने में और आकर्षक लगेगा, ठीक है। एक एक बॉक्स को छोड़ के हम लोग कलर कर देंगे तो ये देखने में आपका सुंदर, और इसके लिए आप सिर्फ पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे, इसको बनाने में किसी भी स्केच पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ आपको पेंसिल का ही इस्तेमाल करना है। तो इस प्रकार से हो जाएगी ये कर्णवत मापनी की रचना। अब मान लिया आपको दूरी पढ़नी है, कितनी दूरी पढ़नी, मान लिया आपको दूरी पढ़ना हो 4 मीटर, ठीक है, 6 डेसीमीटर, 6 डेसीमीटर और 8 सेंटीमीटर, मान लें ये दूरी आपको पढ़नी है। आपने धरातल पे कोई दूरी ली जिसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर, 6 डेसीमीटर और 8 सेंटीमीटर, इसकी दूरी को आपको पढ़ना है, तो इसकी दूरी आप इसको पढ़ सकते हैं। अब जैसे आप देखिए 4 मीटर, अब इस जीरो से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो 4 मीटर है, ठीक है। अगला है आपका 6 डेसीमीटर, तो आप देख रहे हैं यहाँ तक आपका है 6 डेसीमीटर, ठीक है, कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है,
ये आपका 6 डेसीमीटर हो गया। अब मान लिया हमने रचना कर ली, अब इस पे हमको दूरी पढ़नी है, इस पे हमको दूरी पढ़नी है 4 मीटर 6 डेसीमीटर और 8 सेंटीमीटर की दूरी हमको पढ़नी है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 4 मीटर हो जाएगी, ठीक है। अब फिर 6 डेसीमीटर लिखना, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी हो जाएगी 6 डेसीमीटर। इसके बाद आपको 8 सेंटीमीटर पढ़ना है। अब ये जो 8 सेंटीमीटर पढ़ेंगे आप, अब देखिए क्योंकि 6 डेसीमीटर के आगे आपको 8 सेंटीमीटर पढ़ना है, इसलिए आप इस 6 के ऊपर जाइए और इसी कर्ण के सहारे आप ऊपर वहाँ तक जाइए जहाँ तक आपको 6 मान वाली रेखा मिल जाए। अब आपको जो रेखा मिल रही है 6 सेंटीमीटर के मान की, वो यहाँ पे है, तो 6 सेंटीमीटर के मान यहाँ हो जाएगा और 4 वाला आप फिर इसी के समानांतर ऊपर आ जाइए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, ये दूरी होगी आपकी 4 मीटर 6 डेसीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस मापने की सहायता से एक साथ 3 मानों में दूरी पढ़ ले रहे हैं, मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर, ठीक है। अब मान लीजिए 6 की जगह आपको 8 करना है तो आप 8 डेसीमीटर को ले लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से कर्णवत मापने की सहायता से आपको 3 मानों में हम एक साथ दूरी को पढ़ सकते हैं, जो कि हमारा सरल मापनी से संभव नहीं है, इसलिए इस मापनी का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है मानचित्र के निर्माण। एक प्रश्न हमने और लिया है, हम इसको 2 एग्जाम्पल से समझे। एक तो हमने मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर की रचना की है, अब आइए हम एक और ले लेते हैं कि 1/36 प्रदर्शक भिन्न पर, 1/36 प्रदर्शक भिन्न पर एक 1/36 प्रदर्शक भिन्न पर एक विकर्ण मापनी की रचना कीजिए जिस पर गज, फीट एवं इंच में दूरी पढ़ी जा सके। उस प्रश्न में हमने लिया था कि मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर, यहाँ आपको गज, फीट और इंच में दूरी पढ़नी है। इसके पहले हमने बताया था कि जब भी हम विकर्ण मापनी या आलेखी मापनी किसी की भी रचना करते हैं, अगर हमको किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसी, इन सब माप प्रणाली में यानी मीट्रिक प्रणाली में दिखाना है तो उसको बनाने के लिए हम लोग सेंटीमीटर का इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ हमको मील, गज, फरलांग, फीट इसमें बनाना हो वहाँ पे हम लोग इंच का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे इसके आधार पे इसकी रचना होगी, और आप भी मेरे साथ करते चलिए। तो आप देख रहे हैं कि प्रदर्शक भिन्न दिया हुआ 1:36, यानी मानचित्र पर 1 इंच की दूरी धरातल के 36 इंच की दूरी को प्रदर्शित करना है। क्योंकि हमको दिखाना है गज, फीट और इंच में, गज, फीट और इंच में जो सबसे बड़ी मापनी है वो गज है, सबसे पहले बड़ी मापनी लेते हैं, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उसके बाद उससे छोटी। तो 1 इंच दिखाएगी 36 इंच को, तो अब चूंकि ये गज में 36 इंच होता है इसलिए 1 इंच आपका क्या दिखाएगा, 1 गज को दिखाएगा। तो 6 इंच कितने को दिखाएगा, 6 से 1 में गुणा कर लीजिए, 6 गज की दूरी को दिखाएगा। आप इसको 8 भी ले सकते हैं, आप इसको 4 भी ले सकते हैं, लेकिन हमने पहले भी बताया है कि इसका चयन करते समय आपको यह ध्यान रखना होता है कि आप जिस कागज पे या जिस उद्देश्य के लिए बना रहे हैं उसके आधार पर मापने का चयन करते हैं। तो आपको 6 इंच बराबर 6 गज, ठीक है। अब आइए देखते हैं कैसे इसके आधार पर रचना होती है। अब उस प्रश्न के आधार पर ये कर्णवत मापक की रचना की गई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक 6 इंच की रेखा को खींचेंगे, ठीक है। अपने स्केल की सहायता से क्या करेंगे, हम 6 इंच की रेखा खींचेंगे, और यह 6 इंच की दूरी कितने को बताएगी,
6 गज प्रदर्शित करेगी। ठीक है, मान आपको वही लिखना है जो आपको नापना है, चूँकि ये सभी मान धरातल का हमको नापना है, इसलिए हम इसको कन्वर्ट करके उसी मापने को लिखेंगे। तो नापा तो हमने इंच में, लेकिन मान हमको जिस मापने में बनाना है हम उसी को यहाँ पे अंकित करेंगे। तो ये 6 सेंटीमीटर की रेखा क्या प्रदर्शित करेगी, 6 गज को करेगी। तो अगर इसको आप 6 भागों में विभाजित करना चाहें तो एक एक इंच पे एक एक भाग में इसको हम लोग विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब इसको हम विभाजित कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, पहला कॉलम छोड़ के 0 कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, और क्या करते हैं, एक समान दूरी लेकर इधर से भी इधर से भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले सरल मापनी की रचना कर लेते हैं, सरल मापनी। ठीक है, अभी जिस मापनी की हमने रचना की है, जो मैं दिखा रहा हूँ, जो मैंने जितना ड्रा किया इस पर, ये दूरी किस में दिख रहा है आपका, गज में। ठीक है, गज के बाद जो आपको अगली दूरी पढ़नी है वो क्या पढ़ना है, आपको फीट पढ़ना है। गज के बाद अगली दूरी आपको पढ़नी है, गज में पढ़ना है, फीट में पढ़ना है और इंच में, ये दूरी आपको पढ़नी है। तो पहले आपने गज के लिए तो हमने ड्रा कर लिया, अब हमको रचना करनी है फीट के लिए। तो आप देख रहे हैं कि हर एक भाग एक गज दूरी को प्रदर्शित कर रहा है। तो हम सभी जानते हैं, हमने पहले भी बताया कि मापने की रचना करते समय आपको सभी पैमाने भी याद होने चाहिए। तो एक गज में कितने इंच होते हैं, 3 इंच होते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, 3 भागों में विभाजित करते हैं। तो यह दूरी किस में प्रदर्शित हो जाएगी, फीट में। एक गज में कितने फीट हुए आपके, 3 फीट हुए। तो ये तो आप गज और फीट के लिए आपने सरल मापने की रचना कर ली। अब चूंकि आपको इंच भी पढ़ना है, तो इस इंच को पढ़ने के लिए हमको फिर विकर्ण मापनी की रचना करनी है। काम वही करना है जैसे इसके पहले हमने किया है। क्या करेंगे उसके लिए, चूंकि एक फिट में आप जानते हैं 12 इंच होते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करना होगा, इसके ऊपर आपको एक रेखा खींचनी होगी जिसको समान दूरी प्रकार में लेकर 12 भागों में विभाजित करना होगा। तो एक बाएं सिरे पे लंब खींचते हैं, एक दाहिने सिरे पे लंब खींचते हैं और एक समान दूरी, जो दूरी हमने सरल मापनी बनाते समय लिया वही दूरी, क्योंकि अगर यहाँ पे हम दूसरी दूरी लिखेंगे तो वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो वही समान दूरी लेके क्या करेंगे, हम इसको 12 बराबर भागों में बांट देंगे। तो ये हो जाए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ऐसे इधर भी निशान लगा देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब स्केल की सहायता से क्या करेंगे, दोनों सिरों को हम मिला देंगे, बहुत ही सावधानी के साथ मिलाएंगे। एकदम सीधी रेखा होनी चाहिए, थोड़ी बहुत थोड़ी भी इधर उधर ना हो, बहुत ही साफ सफाई के साथ। इसको बनाते समय भी ध्यान दें कि बार बार इसको मिटाना ना पड़े, नहीं तो आप जिस सीट पे बनाएंगे वो सीट इतनी गंदी हो जाएगी कि बनने के बाद भी इसमें चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो इसका भी आप लोग ध्यान देंगे, सबको क्या करेंगे, हम लोग मिला लेंगे बहुत ही बारीकी के साथ। आपको स्केल रख के, कोई भी बिना स्केल के आपको रेखा नहीं खींचनी है, हर रेखा खींचने में आपको स्केल का इस्तेमाल करते रहना है और बहुत ही बारीकी के साथ आप स्केल का इस्तेमाल करेंगे, जिससे जो मापनी बन के तैयार हो तो एक तो सही हो और दूसरा देखने में भी बहुत आकर्षक लगे। अब ये नीचे जो हमने इस प्राथमिक भाग को बांटा है, इसको भी हम क्या करते हैं, सीधी रेखा के साथ ऊपर मिला देते हैं। ठीक है,
ठीक है, इसको हम लोग मिला देते हैं, बीच बीच में गंदा हो जा रहा है। आपको भी बहुत ध्यान देना होगा, नहीं ऐसी गलतियां आपसे भी होंगी, इसलिए इसको बनाते समय बहुत ही बारीकी से काम करना होगा, ठीक है, बहुत ही बारीकी से, गलती होने के चांस बहुत रहते हैं। और ये जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रश्न अमूमन आपके इस परीक्षा में पूछे जाने के चांस होते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, ठीक है, ये बार बार टच होने से हो जाए तो आप इस पर ध्यान नहीं देंगे। तो इस आधार पे क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सभी को बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर लेते हैं। अब जो यहाँ पे 3 फीट की रेखा ये नीचे वाला दिखा रही, यही 3 फीट मान यहाँ से लेके ऊपर तक सभी रेखाएं उसी मान को उसी अनुपात में ही प्रदर्शित करेगी। जो ये प्रदर्शित कर रहा है वही है, वही है, वही है, यानी सब क्या है, क्योंकि एक ही मान पे बनी है तो सब वही उसी का प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इसके आधार पे फिर आपको क्या करना है, आपको विकर्ण मापने की रचना करनी है, जैसे 1, 2, 3, ठीक है। अब इस आधार वाले भाग को 0 को लेंगे और इस ऊपर 1 फीट वाले भाग को लेंगे और इसको तिरछे क्या करेंगे, इन दोनों सिरों को मिलाएंगे, स्केल को रखेंगे, इन दोनों सिरों को मिला देंगे, तो इसके आधार पे क्या होगा, इस पर विकर्ण की रचना हो जाएगी, ठीक है। जैसे आप देखिए इसको सीधे खींचा गया है ना, समझाने के लिए इसको सीधे खींच दिया गया, इस पर लंब डाल दिया गया जिससे आप लोग समझ सकें। फिर इस 0 वाले पहले भाग को और इस ऊपर वाले भाग के इधर के दाएं इधर के बाएं को दोनों सिरों पे क्या किया गया है, मिला दिया गया। ऐसे इसके भी दोनों सिरों को क्या किया गया है, मिला दिया गया, और इसके भी दोनों सिरों को मिला दिया गया, ठीक है। तो ये जो दूरी है ये क्या प्रदर्शित होगी, इंच में, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको भी क्या करेंगे, एक एक बॉक्स को छोड़ के कलर कर देंगे नीचे वाले, जिसे आपका क्या हो, देखने में आकर्षक लगे और हर चीज़ें क्लियर हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये मापक बनके तैयार होगा, जिस पे आप गज फीट और इंच में दूरी पढ़ सकते हैं। अब मान लें आपको दूरी पढ़नी है इसके सहारे 4 गज 1 फीट और 6 इंच की, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो 4 गज प्रदर्शित कर रहा है, फिर 1 फीट यहाँ से यहाँ 1 फीट, अब चूंकि 6 इंच 1 फीट के बाद पढ़ना है तो 1 फीट से शुरू करेंगे और इसके सहारे आप जाएंगे वहाँ तक जहाँ पे ये 6 को प्रदर्शित कर रहा होगा। फिर यहाँ पे निशान लगाइए और यहाँ पे निशान लगाइए और इसके आधार पे हम दूरी पढ़ लेंगे 4 गज 1 फीट और 6 इंच की, जिनका मानचित्रीकरण में बहुत अधिक इस्तेमाल होता है। और यह प्रश्न आपके लिए बहुत आवश्यक है और कार्टोग्राफी का सबसे पहली इकाई है, और जहां हम लोग इस कार्टोग्राफी को पढ़ना शुरू करते हैं वो मापक से ही हम लोग पढ़ने की शुरुआत करते हैं, क्योंकि इन्हीं मापक की सहायता से ही क्या की जाती है, आपके मानचित्र की रचना की जाती है, जो भूगोल में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कहा जाता है कि मानचित्र भूगोल की भाषा है, जो धरातल की विशेषताओं को, उनके स्वरूपों को, उनके लक्षणों को हूबहू प्रदर्शित करती है, जैसे मूल रूप में वो धरातल पर पाए जाते हैं। तो आप लोग बार बार इसका अभ्यास करिए, 2 बार 3 बार, क्योंकि जितनी बार आप अभ्यास करेंगे उतना ही अच्छा ये बना पाएंगे। कोई भी समस्या हो तो आप उसके लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए।